bad. Oh! कार के ऊपर जितना भी वाटर है सब बहुत एकदम आइस बन गया है। प्रेशर -5 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। और आज है December 19, 2020 एंड सैटरडे है। तो समर, समीर और कंचन थोड़ा सा लेट उठे हैं, अंदर बात उत कर रहे थे और हम उनको छोड़ के जल्दी से भाग गए हैं बाहर एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि अगर जग गए तो एक्सरसाइज नहीं करने देंगे। गॉड, ओह माय गॉड, डे तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो गया, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस, एकदम ब्लैक आइस बन गई है, इसे पैर रखने पे स्लिप कर रहे हैं। ये सबसे ख़तरनाक होता है कि जो भोर में लोग ड्राइविंग करने जाते हैं उनकी गाड़ियाँ बहुत स्लिप करती है। मैं अभी जॉन हॉपकिंस के स्टेडियम में आ गया और मैं सोचा कि आज दौड़ूंगा नहीं, एक दिन पहले ऑलरेडी दौड़ा था, तो स्टेयर्स क्लाइंब करूंगा। और यहाँ पे जो हालत है देख सकते हैं कि इसके ऊपर एकदम थिक आइस जमी हुई है, मुझे लगा था कि गल गया होगा। गुड मॉर्निंग, लगा था कि एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा, बट फाइनली अच्छे से एक घंटा से ज्यादा एक्सरसाइज हो गई। अब चलते हैं घर। ये बनाया है मामा, मामा। हाँ। और एक इधर मॉन्स्टर ट्रक नहीं है, बहुत हाई लेवल का सोफिस्टिकेटेड पार्किंग लॉट है, मैग्नेटिक पार्किंग लॉट, लाके अपना मैग्नेट अपना मॉन्स्टर ट्रक यहाँ लगा दो। घर में बहुत ज्यादा मेस, बहुत ज्यादा मेस हो गया है, तो हमारा काम है उधर लेके बच्चों को भाग जाता हूँ, बाकी का रिस्पॉन्सिबिलिटी कंचन के ऊपर है और हम लोग चल रहे हैं इधर थोड़ा सा रेसलिंग करने। सो अब हमारी टीम थोड़ा सा एक्साइटेड है, यहाँ पे हम लोग रेसलिंग करेंगे। यहो यहो, कौन करेगा रेसलिंग? Let's go faster. सैटरडे संडे हम लोग का और भी ज़्यादा बिजी हो जाता है, क्योंकि ठंडी की वजह से हम लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, घर में रहना पड़ता है, सबको एक्सरसाइज भी करना है, सबको टाइम भी चाहिए, और ये लोग जितना घर में रहते हैं उतना बवाल क्रिएट करते हैं, तो हमेशा खेलने के लिए चाहिए, और हमारा भी कुछ पर्सनल काम बढ़ जाता है, और ग्रॉसरी वगैरह खरीदना पूरे हफ्ते के लिए। किसके साथ सोना है? ठीक है, मम्मा को मैं भेज रहा हूँ। ओके, मेरा हेयर बहुत लंबा हो गया है और मेरा दिमाग हो रहा है ख़राब। जनरली मैं इतना लंबा हेयर कभी नहीं रखता हूँ, बट मैं और समर समीर इंटेंसली हेयर बढ़ा रहे थे, क्योंकि हम तीनों लोग एक तरह की हेयर स्टाइल रखना चाह रहे थे, एक न्यू हेयर स्टाइल सोचा था, बट अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। अभी कंचन बताएगी, कंचन क्या करूँ हेयर? समर समीर बनने जा रहे हैं, रबड़ लेके आओ। फिर जो हेयर स्टाइल सोचा था मैंने वो ये था कि इस तरफ पकड़ के चारों तरफ से गोलाई में ऊपर बड़ा हो जाएगा तो बांधेंगे, और ये सबको एकदम छोटा करके महीन कर देंगे, और यहाँ पे हल्का सा इस तरह की स्टाइल रहेगी। बट क्या करें, आई थिंक आई हैव टू कट। बट कटाएंगे कहाँ यार कंचन? कोई बात नहीं, थोड़ा सा मुझे आज प्रैक्टिस करने दीजिए आपके बालों पे। यार कर तो सकती हो बट पता नहीं। ठीक से थोड़ा बांधो, ऐसे ही बांधते हैं, ऐसे ही हेयर कटिंग करोगी? बाल, बाल पर डिपेंड करता है, आपको बाल ही ऐसा है तो मैं क्या करूँ। तुम काट लोगी? डर लग रहा है, करने दीजिए। ऐसा मत ट्राई करना कि फिर मैं ट्राई करने लग रह जाऊँ, मतलब मैं कोई बात नहीं, बहुत होगा तो आपको एकदम छोटा करना पड़ जाएगा, और क्या है, कभी आप छोटा भी तो रखे थे एकदम। हाय रे, एम आई लुकिंग क्यूट? लग रहे हैं तो किस करो ना प्लीज, छोटे बेबी वाला किस। तो डिसाइड ये हुआ है कि कंचन जा रही है बाल काटने और मैं रिस्क लेने जा रहा हूँ,
लाइफ में पहली बार हेयर कट करने जा रहे हैं, राइट? अभी तक किसी का हेयर कट नहीं किया है। अपना किया है, अपना किया है, छोटी के साथ कट करके। गॉड, तो प्लीज भगवान मुझे बचा लेना। अगर ठीक से नहीं काटोगी तो बता रहा हूँ, किसी दिन सोए में तुम्हारा बाल काट दूंगा। मैं रिस्क ले रहा हूँ तो तुम भी रिस्क पे हो, सोच लो। आप लड़के हैं, आपको बाल किसी भी डिजाइन में कट जाएगा चलेगा। अच्छा, मेरा बाल अच्छा होना चाहिए। और नहीं तो क्या? तो फिर तेरे नाम शाहरुख खान, अजीत डोगन स्टाइल सब इतना क्यों फेमस हुआ था? लड़कों का बाल मैटर नहीं करता है तो देखिए। सो एवरीवन हेयर्स मैटर। आज मेरे दिल की तमन्ना पूरी होने जा रही है। ये 1 2 3 आए, आए। संभाल के। तुम बदला तो नहीं ले रही हो किसी चीज का? क्या है? थोड़ा सा ऐसा ना हो कि मुझे छीलना पड़े, ये बता दे। कितना अच्छा लगता है ब्रूस विलिस, ब्रूस विलिस। अबे टकलू, वो बत्रा हेयर क्लिनिक उसको नहीं मिला था इसलिए वो टकलू आज तक। बत्रा हेयर क्लिनिक पे गया होता तो उसका भी बालों सही हो गया होता। तुम तो बहुत प्रो की तरह काट रही हो कंचन। काटने में मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है एक्चुअली। अरे हेयर कटिंग बहुत सारे लोगों के लिए ना सेटिस्फेक्शन वाली चीज होती है, बड़ा अच्छा लगता है करर करर काटने में उसको। नॉट बैड। अब क्यों मैं सही में छोड़ दी? डरा रही है। चेक करा दे कितने कॉन्फिडेंस में काट रही हो। अब लग रहा है कि लोग क्यों बाल काटते हैं। अच्छा लग रहा है। Oh my God. तो मेरा समर समीर का पापा का बहुत पैसा बचा दूंगी, सारा पैसा मैं तुमको दे सकता हूँ। और जब गाजीपुर चलोगी ना तो नाव को हम लोग हर सीजन से एक बोझा फसल देते थे तो तुमको दे दिया। तो मुझे डबल मिलना चाहिए। नहीं, नाव का वही कीमत होती है और साल भर फ्री बाल काटता है। ये क्या बात? अच्छा, जिसको नहीं पता है, गांव में जब मैं खुद था तो उस टाइम पे ट्रेंड था कि हर गांव का एक नाई होता था और वो सबका बाल फ्री काटता था हमेशा। और हर सीजन से, धान के सीजन से, गेहूं के सीजन से, हर एक सीजन से उसको एक बड़ा सा बोझा दिया जाता था। वो अपनी मर्जी से आके अपने ढोने पर एक बिग बोझा बांध सकता है। अच्छा। और लेके जाएगा तो वही उसकी मजदूरी होती थी। पूरे साल काम करेगा। बट वो भी बाल थोड़ा काटता था, लड़कों का पकड़ के छील देता था। बहुत बहुत यूनिक ट्रेडिशन था पहले। अभी मैं जब क्लास 7-8 तक था तब तक था। जैसे किसी की शादी में आ गया तो ठीक है, सुबह आ जाएगा और दिन भर वो बाल काटते रहेगा, सबका सबका फ्री में बाल काटेगा। और जिसके घर शादी रहेगी वो उसे फिर साड़ी कपड़े और कुछ पैसे एडिशनल उस दिन एडिशनल देगा। नहीं, जहाँ कम बाल है वो चल जा रहा है। अरे कैसी चलाना आ नहीं रहा है, बाल काटने चल रही। ला मैं काट के दिखा। कैची चलाना आ नहीं रहा है। कान काटेगी। अभी मेरे हाथ में कैची है। ओके, क्षमा करो। हाँ। गलती से बोल दिया। इधर का वैसे मशीन से मार सकती है। मजा आ रहा है ना? कैची से आ रहा था। हंसी आ रही है। हंसी तो इसलिए, पता नहीं मैंने क्या रिस्क ले लिया, देखता हूँ क्या होता है। ऐसा ना हो कि लास्ट में मुझे सब छीलना पड़े। अरे आप मेरे ही पति हैं, मुझे ही देखना रहेगा। लड़कियाँ अपने ही पति का हेयर तो ज्यादा बेकार करती हैं ताकि कोई दूसरी लड़की उनकी तरफ नहीं देख सके। तो मेरे दादा एक पहेली बुझाते थे, बोलते थे कौन ऐसा आदमी है जिसके आगे राजा महाराजा हर एक आदमी सर झुकाते हैं। तो उसका आंसर था कि नाई। बट यहाँ नाई और वाइफ दोनों बराबर, वाइफ के सामने भी सब लोग सर झुकाते हैं, चाहे शेर हो चाहे राजा हो। और हमारी तो वाइफ और नाई दोनों है। जय हो। ठीक है हेयर स्टाइल। अच्छी तो जा रही है। वेरी गुड, वेरी नाइस। रोज पूछूंगा तुमसे कि हाउ डू आई लुक, ठीक है? और तुम्हें बोलना पड़ेगा स्माइल लेके एक्सलेंट। एक दिन भी गड़बड़ बोला तो बता रहा हूँ। बाल काटे ओ लड़की, बाल काटे, बाल काटे, बदला निकाले पिछले जन्म का हो बदला निकाले ओ लड़की, बाल काटे। देखो इस तरह नहीं बोलते हैं।
पूरे 7 जन्म का बदला निकालूंगी, खाली पिछले जन्म का नहीं। अभी तो एक ही जन्म रख रहे, 7 जन्म कैसे भी बदला निकाल लोगी तो आगे क्या करेंगे हम लोग। मैं पहले से ही वो करना शुरू कर दूंगी। सो हाउ डू आई लुक? एक्सीलेंट। एक महीने तक मुझे एक्सीलेंट बोलना है। हम क्या बताए, ये उड़ा दिया यहाँ पे, देख रहे घुसा दिया है। पहली बार किया है, थोड़ा तो वो होगा। हम पहली बार के हिसाब से बहुत अच्छा किया है, जो बाकी पूरा बार अच्छा आया है। I'm more than happy। और अभी ना धो के थोड़ा सा दिखाते हैं फुल व्यू कैसा है। तुम लोग को पता है मेरा बाल किसने काटा? मम्मा। तो मेरा बाल गुड काटा है या बैड काटा है? गुड। आय हाय, मेरा बेबी बहुत अच्छा है। देन मम्मा तुम्हारा भी बाल कल काट देगी। चलो हम लोग समर का हेयर कल कट कर देंगे। नो। अरे गुड काटेगी, गुड काटेगी। नो। तो अभी हम लोग डिनर कर लिए हैं, समर समीर भी खाना पीने खा लिए हैं, सोने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं हम कंचन ने बाल ठीक काटा है, बुरा नहीं काटा है। और आप लोग रेट कर, थैंक यू। और आप लोग रेट करके बताइए, तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट कर कि कंचन कितना अच्छा काटी है। आज का ब्लॉग अब यहीं रखते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हमारी टीम अभी बुक्स पढ़ने जा रही है, तो पहले बाय बोल दीजिए। बाय बोल दो। आंख बंद कर लो सब लोग, अब स्लीप करने जा रहे हैं ना। अच्छा बुक रीडिंग करने जा रहे हैं। ओके बाय बाय, सी यू लेटर।